हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रा क्वेश्चन चैप्टर में से इलस्ट्रेशन नंबर 13 के बारे में। ओके, यहाँ पे भी लिखा है कि यदि डिग्री ऑफ कंप्लीशन है मोर देन 50% तो हम 2/3 अमाउंट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड रिमेनिंग अमाउंट हम रिजर्व के तौर में पुट करेंगे। ओके, एंड प्रॉफिट के फॉर्मूला रहेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे कैश रेशियो डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है भाई, कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई कि भाई 1 अप्रैल के बारे पे एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है। एंड यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं कि भाई एट द एंड ऑफ ईयर, दैट इज़ 31 दिसंबर। ओके, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे हुए, मटेरियल कितना सेंड किया हुआ है, जूनियर इंजीनियर कितना कॉस्ट इनकर हुआ है, लेबर का कितना कॉस्ट इनकर हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम डेबिट करेंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। चलिए इसके आगे क्या लिखा है कि भाई मशीन की कॉस्टिंग हमको दी हुई है 30,000 रुपीज़। यहाँ पे कितना पार्ट यूज हुआ है, 1/5 पार्ट। स्क्रैप वैल्यू हमको दी हुई है 2,000 रुपीज़ एंड एस्टिमेटेड इसकी लाइफ है 5 ईयर्स। तो हम मशीन का डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि भाई 30,000 रुपीज़ मशीन की कॉस्ट है, उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू 2,000 लेस करेंगे एंड इसको डिवाइड करेंगे 5 ईयर से। ओके, क्योंकि ये 5 ईयर के लिए यूज़फुल है। इसके आगे हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, क्योंकि ये साइड पे केवल यूज़फुल रही है 1/5 पोर्शन ही। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगी, वो आएगी 1,120 रुपीज़। चलिए इसके आगे बात करते हैं, हमको सुपरवाइज़र के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सुपरवाइज़र के बारे में क्या लिखा है कि भाई 2,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे उसका एक्सपेंस है, उसको हम फीस पेमेंट करते हैं। इसके आगे लिखा है कि भाई उसका जो कुछ भी वर्क डिवोड किया हुआ है वो 1/2 है। ओके, यहाँ पर मंथ हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई 2,000 रुपीज़। तो चलिए हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे सुपरवाइजर ने कितना मंथ काम किया है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, भाई कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है एंड 31 दिसंबर पे हम अकाउंट प्रिपेयर किए थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने 9 मंथ सुपरवाइजर ने वर्क किया। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे 2,000 को मल्टीप्लाई बाई 9 मंथ एंड फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 रेशियो से, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने उसका जो कुछ भी वर्क डिवोटेड किया है वो 1/2 वर्क है। ओके, तो इस प्रकार से हमने सुपरवाइज़र की अमाउंट भी फाइंड आउट कर ली, वो आई है 9,000 रुपीज़। ओके, इसके आगे हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई ऑल अदर एक्सपेंस हमको 14,000 रुपीज़ दिए, तो वो भी हम डेबिट करेंगे एंड मटेरियल ऑन साइड इसको हम क्रेडिट करेंगे 2,500 रुपीज़ है। चलिए इसके आगे क्या लिखा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज 4 लाख रुपीज़, हमको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख रुपीज़ दी हुई है। इसके आगे क्या लिखा है कि हमको 31 दिसंबर पे 2/3 वर्क कंप्लीट हुआ है, आर्किटेक्ट ने कितना सर्टिफिकेट फाइल किया हुआ अमाउंट 2 लाख रुपीज़ को, एंड 80% हमको कैश में पेमेंट मिला हुआ है। तो चलिए यहाँ पे कहीं पे भी हमको वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट नहीं दी हुई है। ओके, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करें उसके बारे में सबसे पहले हम वर्किंग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन हमारा, इसके लिए हम वर्क सर्टिफाइड को डिवाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। तो वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट है 2 लाख रुपीज़, उसको हमने 2 लाख रुपीज़, इसका मतलब ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अच्छा हमको एग्जिट फिगर दिया हुआ है कि भाई वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट 2 लाख रुपीज़ है एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की अमाउंट 4 लाख रुपीज़ है। इससे हमको हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे हमको पता चला कि 50%, इसका मतलब कि 1/2 वर्क कंप्लीट हुआ है। चलिए अब हम वर्क अनसर्टिफाइड का पोर्शन कैसे फाइंड आउट करें, तो कि भाई हमारे पास जो कुछ भी अमाउंट है वर्क कंप्लीशन के, उसमें से हम वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट लेस करेंगे तो हमको वर्क अनसर्टिफाइड का पोर्शन मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे हमको वर्क कंप्लीशन का पोर्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप फ्रेंड्स 2/3 अमाउंट वर्क कंप्लीट, इतना वर्क हमारा कंप्लीट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का। चलिए इसमें से हम क्या लेस करेंगे भी, वर्क सर्टिफाइड के अमाउंट हमने अभी ही बात की कि हमने 50%, इसका मतलब है कि 1/2 वर्क हमने कंप्लीट किया है। ओके, एंड इसको हम क्या करेंगे कि भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या रेशियो मिल जाएगा, 1/6 आएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं टोटल को। अच्छा,
अब हम बात करेंगे, 2/3 वर्क हमारा कंप्लीट हुआ है तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट कितनी है। ओके, यदि हमको ए मिल जाएगी तो हम 1/6 कॉस्ट पे हम हमारा वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ये अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो कुछ भी डेबिट साइड अमाउंट है, मटेरियल की है, जो इंजीनियर की अमाउंट है, लेबर की अमाउंट है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, सुपरवाइजर है, अदर एक्सपेंसेस है, सारे हम ऐड करेंगे। इसमें से हम लेस करेंगे क्या, मटेरियल एट स्टॉक। ओके, एट साइड पे हमारे पास जो जो कुछ भी मटेरियल का स्टॉक है उसको हम लेस करेंगे। ओके, तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा है 2/3 वर्क कंप्लीट। हमारा 2/3 वर्क कंप्लीट हुआ है, वहाँ पे हमारे पास कितनी कॉस्ट आई है कि भाई हमने बताया था कि भाई इतनी चीज़ें ऐड करें, इन मटेरियल वाली चीज इंफॉर्मेशन थी उसको हमने लेस किया, तो हमारे पास कितना एक्सपेंस का टोटल है वो है 1,77,460। तो ये कितने पे है, 2/3 पे इतनी अमाउंट है, तो 1/6 पे कितनी अमाउंट आएगी, तो 1/6 तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1,77,460 से, हम डिवाइड करेंगे 2/3 से, तो हमको वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट मिल जाएगी, वो आएगी 44,365 रुपीज़। आप इस प्रकार से वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमको एग्जिट नहीं दी होगी तो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कुछ भी क्रेडिट साइड का है टोटल हमने हमको करना है, उसके बाद में हमारे पास डेबिट कार्ड साइड का भी जो भी टोटल आएगा वो हम लेस करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, नोशनल प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम नोशनल प्रॉफिट में से कितना अमाउंट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बताया था कि भाई यहाँ पे हमारा वर्क कितना कंप्लीट हुआ है, 50%। ओके, तो यहाँ पे हम कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, 2/3। ओके, हमारे पास नोशनल प्रॉफिट 66,905 रुपीज़ है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, एंड इससे आगे हमको हमारे पास कैश रेशियो डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड का रेशियो भी है, क्योंकि हमको 80% पेमेंट मिला है, तो यह वो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80% से, तो हमको प्रॉफिट की अमाउंट मिल जाएगी। हम इतना अमाउंट प्रॉफिट पी एन एल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, कितना है, 35,683 रुपीज़, इतना हमने यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है अमाउंट, एंड रिमेनिंग अमाउंट जो कुछ भी बचती है वो हम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर 13 सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, एंड देखते रहिए नए नए वीडियोज़ की अपडेट्स।